ये गंगा जल आ रहा है बस, ये देखा इतना ही गंगा जल है घर की पौड़ी पर। इसमें भाई सिक्के वगैरह मिल जाते हैं क्या तुम्हें? सोना भी मिल जा? चांदी कितनी मिली? कितनी मिली? छह मोती। अच्छा, श्रद्धालुओं के लिए गंगा जल ना मात्र है, कुछ नहीं है बस। देखो आप कैसे गंगा स्नान कर रहे हैं श्रद्धालु। और उधर जो थोड़ा बांध सा बना के कट्टो वट्टे सीमेंट वेमेंट से के लगा के भाई रेत वेत के, उधर थोड़ा जल रोका हुआ है जिससे कि गंगा स्नान श्रद्धालु कर सके। सामने भागीरथी सेतु है, देखो कतई भी गंगा जल नहीं है दोस्तों। ये मिली है अंग्रेजी जमाने की रेलवे लाइन, आप ये देखते हो। देखो ये तो मुड़ गई है यहाँ से, पानी के वेग से कैसे भी मुड़ी हो, बहुत ज्यादा गंगा जल चलता है यहाँ पे। और ये देखो आप, उधर भी है, उधर भी दिखाऊंगा मैं आपको। दोस्तों कभी अंग्रेजों ने रेलवे लाइन बिछाई थी यार, ये देखो, ये देखो। ये देखो सोने वगैरह का भी कुछ चीज मिल जाती होगी आपकी बात होती है। आपको मिला? जी सर, हमें अभी नहीं मिला। दोस्तों नमस्कार, आपका एक नई वीडियो में स्वागत है। और आज मैं आया हूँ हरिद्वार। दोस्तों गंगा जल सूख चुका है, पत्थर ही पत्थर गंगा में दिखाई दे रहे हैं आपको सामने। और ये जो सामने जो आपको दिखाई दे रहे हैं, ये सोने के चांदी वगैरह सिक्के विक्के जो डालता है गंगा में, उसको निकालने के लिए सभी लगे हुए हैं। आप नीचे देख सकते हो, दोस्तों आज है 18 अक्टूबर की लाइव वीडियो हरिद्वार हर की पौड़ी से। आप सामने देख सकते हो श्रद्धालु भी हैं, लेकिन गंगा स्नान करने के लिए गंगा जल नहीं है। आपको मैं पूरी जानकारी दूंगा। श्रद्धालु भी परेशान है गंगा जल के लिए। आप सामने देख सकते हो किस तरीके से गंगा जल में गंगा स्नान किया जा रहा है। गंगा जल तो है ही नहीं, मैं आपको जूम करके दिखाता हूं दोस्तों। ये देखो कतई भी गंगा जल नहीं है। और देखो श्रद्धालु कैसे गंगा स्नान कर रहे हैं यहां पर। और श्रद्धालु आए हुए तो बतेरे हैं, श्रद्धालु आए हुए तो बहुत है, लेकिन गंगा जल नहीं है दोस्तों। और मैं आपको हर की पौड़ी पे भी ले जाऊंगा। तो श्रद्धालुओं की संख्या तो काफी है, लेकिन आप सामने देख सकते हो गंगा जल नहीं है यहाँ पे। ये सिक्के वगैरह सोने चांदी के कुछ भी, मतलब जैसे कि श्रद्धा के लिए गंगा में विसर्जन किया जाता है, उसको ढूंढ रहे हैं। दोस्तों आगे दिखाता हूँ मैं चल के। दोस्तों भीड़ भाड़ काफ़ी है यहाँ पे, भीड़ में कोई कमी नहीं है, श्रद्धालुओं की आस्था में कमी नहीं है, गंगा जल हो या ना हो। और सफाई के कारण गंगा में जल नहीं है।
और मैं आपको दिखा दूँ। अब हम धनुष पुल की ओर जा रहे हैं भागीरथ सेतु। ये गंगा जल आ रहा है बस, ये देखो आप, इतना ही गंगा जल है हर की पौड़ी पर। इसमें भाई सिक्के वगैरह मिल जाते हैं क्या तुम्हें? सोना भी मिल जा? चांदी कितनी मिली? कितनी मिली? छह मोती। अच्छा कितने के बिक गए? कितने के बिके? 70 के। और सोना वगैरह भी मिल जाता होगा, और पैसे वगैरह सिक्के वगैरह तो मिल ही जाते होंगे। दोस्तों ये सिक्के वगैरह ढूंढ रहे हैं यहाँ पे। और आप ये देखो दर्शन कर सकते हो लाइव वीडियो हरिद्वार से 18 अक्टूबर। दोस्तों मैं हूँ भागीरथी सेतु पे और सभी कुछ ना कुछ ढूंढने के लिए लगे हुए हैं। ये देखो आप, भाई मिला कुछ? मिला अब तक कुछ? दोस्तों हम पहुंच चुके हैं यहाँ पे हर की पौड़ी पे। और ये इधर हर की पौड़ी है और इधर गंगा की बड़ी धारा है। और मैं आपको जो ना उधर लेके जाऊंगा धनुष पुल से होता हुआ। ये देखो आप, दोस्तों ये हर की पौड़ी है, धनुष पुल मेरे सामने है, आप देख सकते हो। ये है यहाँ के ताजा हाल। श्रद्धालुओं के लिए गंगा जल ना मात्र है, कुछ नहीं है, बस देखो आप कैसे गंगा स्नान कर रहे हैं श्रद्धालु। और उधर जो थोड़ा बांध सा बना के कट्टो वट्टे सीमेंट वेमेंट से के लगा के भाई रेत वेत के, वो उधर थोड़ा जल रोका हुआ है जिससे कि गंगा स्नान श्रद्धालु कर सके। सामने भागीरथी सेतु है। श्रद्धालु तो है पर लेकिन इतने नहीं है। और ये आस्था देखो आप, गंगा जल नहीं है गंगा में, फिर भी हरिद्वार हर की पौड़ी पे काफी श्रद्धालु हैं। ये देखो थोड़ा जल यहाँ पे रोक रखा है, वो भी दिखाऊंगा मैं आपको। ये रोक रखा है यहाँ पे। उधर से दिखाता हूँ आपको, सामने आप माँ गंगा के दर्शन कर सकते हैं। हर की पौड़ी के लाइव दर्शन। यहाँ भी जल रोकने के बाद भी बस नहाने लायक नहीं है। दोस्तों माँ गंगा के दर्शन कराता हूँ आगे जाके आपको मैं। काफी परेशान है श्रद्धालु गंगा में जल ना होने के कारण। दोस्तों सामने आप देख सकते हो माँ मनसा देवी मंदिर।
जय हो माँ मनसा देवी। दोस्तों कमेंट बॉक्स में जय मनसा देवी, जय माँ गंगा, हर हर गंगे जरूर लिखना और वीडियो को शेयर करना जिससे जान सके, लाइव दर्शन कर सके और चैनल को सब्सक्राइब करना और घंटी वाला बटन जरूर दबाना दोस्तों, और वीडियो लाइक करना। ये दत्त बाप गंगा में कुछ नहीं है, सब सूख गया, सब पत्थर ही पत्थर है। सामने आप माँ गंगा के दर्शन कर सकते हैं, सामने भोले शंकर। जय माँ गंगा, जय भोले शंकर। सोने वगैरह का भी कुछ चीज मिल जाती होगी आपकी बात होती है। आपको मिला ना जी साहब? हमें अभी नहीं मिला। पहले कभी मिला? ये क्या मिला? एक रुपया धोखा है। और इसी तरीके से सोने का सिक्का भी मिल जाता हो? बिल्कुल। जय माँ गंगा। देखो दोस्तों ये ढूंढ रहे हैं यहाँ पे, और मिल जाता है, ऐसी बात नहीं है मिलता नहीं है, इसीलिए आदमी मेहनत करता है, अगर ना मिलता तो कोई मेहनत क्यों करता। और आप सामने देख ही सकते हो जहाँ पे इतना जल आता हो, आज मैं गंगा के बीचों बीच हूँ। दोस्तों पार नहीं जाया जाने का, धनुष पुल से ही जाया जाएगा। दोस्तों हम आ गए हैं धनुष पुल। मैं आपको आगे दिखाऊंगा जाके दोस्तों, जहाँ अंग्रेजी जमाने की रेलवे लाइन है वो जब दिखाई देती है जब गंगा की सफाई होती है और गंगा सूख जाती है। नीचे जाकर मुझे दिखाई देने लगी है, यहाँ से आपको भी दिखाऊंगा दोस्तों। दोस्तों ये मिली है अंग्रेजी जमाने की रेलवे लाइन, आप ये देखते हो। देखो ये तो मुड़ गई है, यहाँ से पानी के वेग से कैसे भी मुड़ी हो, बहुत ज्यादा गंगा जल चलता है यहाँ पे। और ये देखो आप, उधर भी है, उधर भी दिखाऊंगा मैं आपको। दोस्तों कभी अंग्रेजों ने रेलवे लाइन बिछाई थी यार, ये देखो, ये देखो। ये देखो गंगा जल तो है ही नहीं ना मात्र भी, गंगा स्नान करने के लिए देखो तो इतना हरा बस। और वो चल रहा हूँ देखो थोड़ा थोड़ा, बस इसी में ही गंगा स्नान कर रहे हैं। ये मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ, बस इतना ही है। और वे वहाँ पे गंगा स्नान कर रहे हैं दोस्तों, और उनके घुटनों तक क्या, वो तो बैठे हुए हैं। ये आपको मैंने रेलवे लाइन दिखाई अंग्रेजी जमाने की। भैया कितने मिल गए सुबह से? सुबह से कितने मिले? नहीं मिला। बस सोना वगैरह कुछ तो मिल जाता होगा जैसे बताते हैं, तार और सिक्के नहीं मिले? देखो दोस्तों कितनी मेहनत करके ऐसे सिक्के वगैरह कुछ भी, मतलब यहाँ अपनी अपनी किस्मत है दोस्तों, किसी को सोना भी मिल जाता है, चांदी भी मिल जाती है, कुछ भी मिल सकता है। और ये रेलवे लाइन है ही, दोस्तों बड़े बड़े पत्थर पड़े हुए हैं। ये भी अंग्रेजी जमाने का ही है,
कुछ पहले यहाँ रेलगाड़ी अंग्रेजों ने चलाई थी, और अब तो ये देखो पहले की जो रेलगाड़ी चलती थी उसकी पटरी की चौड़ाई भी मुझे तो कम लग रही है। दोस्तों कमेंट बॉक्स में बताना आपको भी कम लग रही है क्या, मुझे तो कम लग रही है अब के वाली से। और मैं दिखाता हूँ आपको, यहाँ मिले हुए सिक्के, भैया दिखाना एक बार सिक्के वैसे ही है ना। कैसे? हाँ वही दिखाओ। दोस्तों मैं दिखाता हूँ आपको यहाँ पे क्या मिला, ये देखो आप। अच्छा कभी कभी मिलता होगा सोना वोना वगैरह कुछ? नहीं सोना तो किस्मत में नहीं है। किस्मत में नहीं है अब तक मिला नहीं कभी ना। किसी को तो मिल सकता होगा। हाँ मिल जाता है। तो दीपावली पे छोटी दीपावली वाले दिन जल आ जाएगा। दोस्तों छोटी दीपावली वाले दिन जल आ जाएगा यहाँ पर। और अब हम चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।